कंसल आपके प्रिय चैनल हासी की आवाज़ से। जैसे कि आपको मालूम है आज 24 तारीख है, आज गिनती की तारीख है, काउंटिंग होनी है पूरे हरियाणा भर में, 90 की 90 सीटों पर काउंटिंग होनी है। और हांसी की सीट को लेकर बड़ा एक कोतूहल मचा हुआ है, असमंजस की स्थिति है, कभी कोई कैंडिडेट ऊपर तो कभी कोई कैंडिडेट ऊपर। फिलहाल यानी शुरुआती दौर के अंदर हम बता सकते हैं कि दो राउंड हुए हैं, दो राउंड में यानी कि बीजेपी का यानी कि 400 वोटों से आगे विनोद भ्याना चल रहे हैं और राहुल मक्कड़ थोड़ा सा उससे ट्रेल बिहाइंड है और थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। ऐसे में नेक टू नेक फाइट यानी कि पहले दो राउंड में ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर यानी कि पुलिस को पूरी तरह से डिप्लॉय किया हुआ है और ये SD महिला कॉलेज का काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, जो हर बार बनता है। लोकसभा के चुनाव में हिसार होता था तो जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो हांसी की काउंटिंग यानी कि अमूमन यहीं इसी SD महिला कॉलेज के सभागार के अंदर की जाती है। यहीं काउंटिंग सेंटर बनाया हुआ है, यहीं सभी EVMs यानी कि रखी गई हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस डिप्लॉय की गई है और इससे बाहर CISF के जवान भी हैं। तो आइए जानते हैं DSP महोदय राजवीर सिंह से कि भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोई ऐसा यानी कि आपने क्या क्या यानी कि एहतियातन क्या क्या प्रबंध किए हैं। हमारे यहाँ मतदान की गणना के मुताबिक के दौरान काफ़ी हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं, सुरक्षा के हमें हमारे कड़े प्रबंध हैं। हमारी जो 3 लेयर थी यहाँ पर हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस है जो CISF के अंडर है और वो अपनी देख रेख के अंदर बड़ी एहतियात बरते हुए हैं। और सेकेंडली यहाँ पर हमारे बाउंड्री वॉल इतनी अच्छे से है कि चारों तरफ हमारे सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं, कोई भी किसी प्रकार की कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाए। आपने 3 जगह बैरिकेड लगाए हुए हैं, इधर एक जार धर्मशाला का कॉर्नर पड़ता है, इधर यानी कि उमरा गेट का कॉर्नर पड़ता है, तो किन को अलाउ किया हुआ है, कौन कौन आ सकते हैं? ये सुरक्षा के लिहाज से जो है सभी कैंडिडेट्स आ सकते हैं, उनके एजेंट आ सकते हैं, काउंटिंग अधिकारी आ सकते हैं, आम पब्लिक पर्सन जो है वो मीडिया कर्मी को तो अलाउ है ही है, यहाँ पर कोई वो नहीं है, बाकी जो आम पब्लिक पर्सन नहीं है उसको अलाउ नहीं है। धारा 144 का 144 के तौर पर सभी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ऐसा कोई अप्रिय घटना यानी कि कोई अभी तक यहाँ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं है और न ही होने दी जाएगी। तो यहाँ आप बतौर यानी कि मैं यहाँ बतौर सुपरवाइजर अफसर हूँ, पर्यवेक्षण अधिकारी हूँ, हमारी मतगणना केंद्र का जो भी हमारे जितनी काफ़ी फोर्स लगी हुई है, हमारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। धन्यवाद। अब की बार तो आते अगली बार मत बुला रहे फ्रेंड। आप देख रहे हैं ये काउंटिंग सेंटर SD महिला कॉलेज के, इसमें सभी प्रत्याशी बैठे हैं। आगे सबसे पहले विनोद बिहाना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ अशोक कनौजिया बैठे हैं, उसके बाद इनेलो के प्रत्याशी बैठे हैं कुलवीर मामल, उसके बाद हरिराम सैनी जी बैठे हैं, उसके बाद कुलदीप गुक्कल है जो इंडिपेंडेंट है, राहुल मक्कड़ कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं वो JJP के प्रत्याशी, प्रेम सिंह मलिक बैठे हैं यहाँ पर, मनोज राठी भी कुछ चेहरा उतरा हुआ है उनका, वो बैठे हैं यहाँ, और यहाँ ओम प्रकाश पंघाल जो बैठे नज़र आ रहे हैं आपको, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, BSP के प्रत्याशी सुरेंद्र शर्मा है उधर। आप देख रहे हैं कि विनोद बिहाना जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ उनके अनुज भ्राता, काउंटिंग टेबल लगी हुई है सभी अर्थात माइक्रो ऑब्जर्वर साथ में। मेरा नाम रिजल्ट आने के बाद बताऊंगा, चले ना चलो। और देश में क्या चल रहा है, प्रदेश में देश में मोदी मोदी है, कांग्रेस आ रही है, उभर के कांग्रेस आ गई। अच्छा अपना
आप देख रहे हैं सभी प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं और तकरीबन सारे राउंड पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद बिहाना लगभग 22,227 मतों से जीत चुके हैं। उनके साथ सेकंड पोजीशन पर राहुल मकर रहे हैं और उसके बाद प्रेम मलिक जो है कि निर्दलीय उम्मीदवार थे वो नहीं है। साथ में विनोद बिहाना के बिल्कुल रिसेंट उनके छोटे भाई बैठे हैं। विनोद बिहाना भी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके छोटे पुत्र साहिल बिहाना भी उनके साथ बैठे हैं। साथ में अशोक कनौजिया बैठे हैं। हिंदी जनलो के प्रत्याशी सुरवीर बामल हैं। साथ में राहुल माथुर हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। हरिराव सैनी एल एस पी के प्रत्याशी हैं। अन्य प्रत्याशी सबके चेहरे हम देख रहे हैं कि मुरझाए हुए से नज़र आ रहे हैं। हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। शहर में आपने काम भी किया? जमानत बच गई। शहर में जो काम किया उसका रिजल्ट मुझे नहीं मिल पाया। लोगों का स्नेह मिलना चाहिए था। लोगों के लिए जो मैंने किया शहर के लिए वो शायद मुझे थोड़ा अफसोस रहेगा। मलिक साहब, दो साल से आप लगातार यहाँ हंसी में काम कर रहे थे तो लोगों ने कितना शरीर दिया? काफ़ी प्रयास किए और अच्छी प्लानिंग में लेके चला था कि शहर का काफ़ी सुधार हो, मगर शहर शायद ये नहीं चाहता था। आपको यानी कि 22,500 से मात मिली है जी। आप बड़े यानी कि विनिंगिटी थी आपके अंदर जब भी आपको युवा देखिए जो भी निर्णय हासिल की जनता ने लिया उसका मैं स्वागत करता हूँ। जो अगर जो थोड़ी बहुत कमी रही उससे अगली बार पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रत्याशी खड़े और दोनों की ही जमानत जब्त हो गई है। दोनों एक LSP से और एक BSP से, दोनों के पीछे पी लगता है, एक LSP और एक BSP, और दोनों ही जमानत जब्त करवा के यहाँ हमारे साथ आए हैं। हाईकमान का आदेश आ गया और मेरे को लड़ना पड़ा। मैं लेट लोगों के पास पहुँचा और बहुत से लोगों से तो मिल भी नहीं पाया, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। कम वोट आए, 7-8 हज़ार वोट आए। हमारे साथ BSP के प्रत्याशी भी थी। हाल ही में लोकसभा में भी जमानत जब्त हुई और अब भी जमानत जब्त हुई है, लेकिन इनको कोई गिला नहीं है। गिला है तो अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ है। तो क्या वजह हुई आपकी हार का, क्या कारण है? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता किसी अन्य व्यक्ति आज़ाद उम्मीदवार के साथ साठगांठ किए हुए थे और वो पार्टी हाईकमान के पास भी टिकट लेने के लिए उसके साथ गए थे, लेकिन पार्टी हाईकमान से, क्योंकि मैं विधानसभा की चाहता था, पार्लियामेंट की नहीं मांग रहा था मैं, लेकिन पार्टी ने पार्लियामेंट में उतार दिया मुझे और मैंने ईमानदारी से चुनाव लड़ा। और मैं समझता हूँ एक भ्रष्टाचार तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने साठगांठ किया, जिससे कि पार्टी को नुकसान किया है इनका। अभी तो मैं अभी अंदर से जश्न बाहर निकले, अभी बाहर का आप एक बहुत अच्छे मार्जिन से जीते हैं, 22,207 मार्जिन से जीते हैं। अधिकतम राहुल मकर को आपने हराया है आपके पिताश्री ने। तीसरे पूरे शहर और ग्रामीण क्षेत्र का दोनों का योगदान मानते हैं या ग्रामीण पृष्ठभूमि या शहर से? नहीं, बिल्कुल लगभग दोनों ही ग्रामीण और शहरी मतदाताओं ने, जनता ने लगभग बराबर आशीर्वाद दिया है। हम ग्रामीण एरिया से जीत कर निकले हैं और जी जो एक बहुत अच्छी मेजोरिटी से जीत कर आए हैं। बस एक हासी आपके 22,207 तो कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए जनता का जुनून। जोस्टिंग कैंपेन की आप पूरे के पूरे हलके में, जैसे पहले भी मैंने इंटरव्यू लिया था कि आपके ग्रामीण हलके में भी पॉकेट्स हैं, तो सभी जगह से वोट लेके आए ऐसा है? आप रिजल्ट देखिए, बूथ नंबर 1 से लेके आखिर तक, हाँ जी, हर राउंड में हम कहीं भी पीछे नहीं रहे। हाँ। पूरे के पूरे राउंड में हम आगे बढ़ते गए। हाँ। शुरू में बढ़त प्राप्त की और आखिरी राउंड तक हमने बढ़त ही प्राप्त की कि कहीं भी माइनस में नहीं आए, और यही वजह रही कि हम एक अच्छे मार्जिन से सीट निकाल ली।